हाय दोस्तों, आज हम कैटरीना कैफ की फ्लॉप मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आजकल जिस भी मूवी में कैटरीना कैफ दिखती है वह ज़्यादातर फ्लॉप ही जाती है। इससे कैटरीना कैफ के करियर पर भी बहुत नुकसान पड़ सकता है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहला नाम मूवी का है थग ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 2018 में ही आई है। इसका ट्रेलर देखने में तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा था, लेकिन मूवी को 148.96 करोड़ का डिसएडवांटेज हुआ है और ये बहुत बड़ी फ्लॉप गई है। दूसरी मूवी है चक्कू जासूस। चक्कू जासूस बहुत ही फनी टाइप और एक्साइटेड मूवी लग रही थी, लेकिन इसकी जो इनकम बजट था जो इसका 75 करोड़ का था और इसे ओनली बॉक्स ऑफिस पर 53.38 करोड़ ही मिले। थर्ड नंबर पर हम चलते हैं बार बार देखो। यह मूवी मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आई दोस्तों, और इस मूवी में कुछ खास स्टोरी भी नहीं थी। और इसका जो बजट था वह 46 करोड़ का था और इसकी इनकम हुई 31.15 करोड़। अपनी फोर्थ मूवी हम जाते हैं बूम पर। यह हुई 2003 की रिलीज मूवी है, जो ही बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप गई थी। इसको इसमें इसने खाली 32 मिलियन अब ही कमाए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।